श्री वाहिगुरु साहब जीओ तीरथ नावा जे तिस भावा बिन पाने के नाए करी जेती सिर पाई वेखा बिन करमा के मिला लई तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन पाने के नाए करी जेती सेठ पाई वेखा विण करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सोवें विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी हुए नवा खंडा विच जानिया नाल चला सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीर्त जग ले जे ते नदर ना आवे ता वात ना पुछा के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तिहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करे तिहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सन्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ छेवीं पौड़ी जिस दे च धन गुरुदेव तीर्थां दे संबंधिच ते कर्म दे संबंधिच अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तीर्थां दी महानता हर धर्म देच हर मजहब देच है। सारा इस्लामी जगत जितने चिर तक हज ना कर रवे वो अपना मुसलमान होना पूरा नहीं समझता। इस तरह ही हिंदू ने कुंभ का इशनान ना कर लैन कुंभी का इशनान ना कर लैन ते प्रयागराज दे च माग का इशनान ओ ना करन। इस तो इलावा एकम थित है ते होर कई तरह के इशनान ने ये दस पुरब ने। इन्हां दसा पुरबां ते वो अठाठ तीर्थां दे चों किसी ना किसी तीर्थ ते इशनान ना करन वो अपना हिंदू होना संपूर्ण नहीं समझते। इसे तरीके नाल बाकियां देच भी देखण नूं मिलदा है। सिख जगत दे भी अपने तीर्थ ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब देच बावली साहब बना के तीर्थ दी परंपरा नूं तोरिया। फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज की ही कल्पना अमृतसर वसाणा उन्हों साकार रूप देन की कोशिश की थी पूरी धन गुरु रामदास जी ने। उन्हों सवारण ते शिंगारण ते दरबार साहब की बणतर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाई। उसकी सेवा संभाल ते हिफाजत की जिम्मेवारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निभांदे रहे। सिख जगत का वह केंद्रीय अस्थान बनया जगत का केंद्र। धन गुरु नानक देव जी महाराज राय भोए की तलवंडी देच प्रकाशमान होए जन्म होया। राय भोए की तलवंडी ननकाणा साहब बने। हसन अबदाल वली कंधारी रेलवे स्टेशन दे अजे भी हसन अबदाल लिखे हुए शहर नू अजे भी हसन अबदाल कहते रहे। पर उस वली ने उपरों पत्थर सुटिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुबारक हत्थां नाल रोकया तो हत्थां दा पंजा लग गया। हसन अबदाल पंजा साहब बनया।
सिख जगत दे तीर्थां दे चों सिरमौर तीर्थ बने। जिथे जिथे किसी महापुरुष द्वारा कोई विशेष घटना घट गई है या जन्म होया है या कुछ होर कारण ने, वो जगह तीर्थ कहलांदे ने। इस्लामी जगत विच, हिंदू जगत विच, सिख जगत विच, बौद्ध जगत विच, सारे बुद्धिस्ट लोगों का केंद्रीय स्थान गया है। और जितने चिर तक गया दे बुद्ध जयंती वाले दिन वो आके दर्शन ना कर लैन, अपनी पूजा पाठ ना कर लैन, वो अपना बुद्धिस्ट होना पूरा नहीं समझते। तीर्थ एक पवित्र अस्थान, इस तो इनकारी नहीं। और अस्थान भेद, अस्थान का अपना असर है, अपना प्रभाव है, जगह जगह का अपना असर है। दूर क्यों जाओ, हर घर की वाइब्रेशन भी अलग अलग होती है, हर घर का भी अपना असर अलग अलग है, हर गुरुद्वारे का भी अपना अलग असर है, हर मंदिर का भी अपना अलग असर है, हर मस्जिद की भी अलग अलग गल है। मैं देखदा हाँ दिल्ली देच हर कलोनी च चार चार गुरुद्वारे ने, पर अमृत वेले संगतां भजियां आउंदियां सीसगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन नूं थां नहीं मिलदी। लंबियां लंबियां लाइनां लगदियां मत्था टेकण नूं, जदके कलोनी देच गुरुद्वारे मौजूद ने। जिथे जिथे लोकी रहिंदे ने दो दो चार चार गुरुद्वारे मौजूद ने, सोहणे सोहणे जथे कीर्तन पए करदे ने, पाठ हो रहा है, लेकिन भजे आ रहे हैं। अमृत वेले तो ही रौनकां लग जांदियां सीसगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन दी थां नहीं आउंदी। इहनूं कहिंदे ने अस्थान भेद, जगह दा असर। जिथे परम पुरख ने कोई बैठ के तप कीता होवे, टिकाणा कीता होवे, असर है। और उस स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दी पावन काया दा खून डुले है, उस जगह दा अपना असर। इस ढंग नाल ते तीर्थ तो कोई इनकारी नहीं हो सकता। पर तीर्थ ताई तीर्थ बने, किसे ने नाम जपया सी, कोई बंदगी वाला सी, उसकी कदम बोसी नाल बने, उसके जप नाल बने। तो जे तीर्थां नूं भी जन्म नाम ही देंदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने फिर साडा तीर्थ नाम ही है। तीर्थ हमरा हर को नाम, हरी दा नाम ही साडा तीर्थ है। तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ की है, गुरु शब्द दी विचार, शब्द नू अपने विचार दिच ले आना, शब्द नू अपनी समझ दिच ले आना, शब्द नू अपने चेते दिच ले आना। और अनुभवी ज्ञान दा पैदा हो जाना। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा। तीर्थां ते दस पुरब ने, जिवें हुणे मैं अर्ज कीता, कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, प्रयागराग दे च माघ दे महीने माघी दा इशनान, चंद्र ग्रहण दा इशनान, सूरज ग्रहण दा इशनान कुरुक्षेत्र दे च। इसे तरीके नाल केदारनाथ बद्री नारायण दी यात्रा, ये दस तीर्थां दे इशनान नूं, दस पुरबां दे मनाण नूं मनदे ने। दस तरह दे दोख, दस तरह दे पाप मिट जांदे ने। दस पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने। ये जो दस पुरब मनाए जाते हैं और आख्या जाता है, दसा नू हर लेंदे ने, भाव दसा नू मिटा देंदे ने, दस पाप। दस पाप, चार पाप बाणी दे मनदे ने, तीन पाप मन दे मन दे ने,
तीन पाप तन दे बनते हैं। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना या निंदा है ते सच्चाई, लेकिन इस वास्ते बयान कर रहे अगले नू चोट पहुंचे, अगले नू तकलीफ होवे। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कोई एक मनुख दी एक अख नहीं काम कर दी तो उसनू कहा जा सकता मित्र तेरी एक अख काम नहीं कर दी, या फिर कहा जा सकता तू काणा है। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती, और इस दे कई ढंग ने। बाणी दे ये जो चार दोख ने ते तीन दोख मन दे, बुरा सोचना, बुरा याद करना और बुरे फुरनियां दा अंदर हर वक्त चलना, तीन दोख शरीर दे। हत्थां दा चोरी कर लेना, हत्थां दा हिंसा कर लेना, हत्थां दा दुराचार कर लेना, तीन दोख तन दे, तीन दोख मन दे, चार दोख बाणी दे। मन के इंज कहिंदे ने दस पाप ने, ये दस पाप दस पुरब मनाण नाल मिट जांदे ने। ऐसी पुरानी धारणा, दस पुरब सदा दशहरा। ये दस पुरब मनाण नाल बाणी दे दोख मिट जांदे ने, बाणी शुद्ध हो जांदी है, जबान शुद्ध हो जांदी है, मन शुद्ध हो जांदा है, मन दे दोख मिट जांदे ने, तन पावन हो जांदा है, तन दे पाप धुल जांदे ने। पर महाराज कहिंदे ने गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पुरब सदा दशहरा। गुरु दा ज्ञान ते प्रभु दा नाम ये जपना ही दस पुरब मनाना है, और यही दसा दोखा नू नाश करदा है। कोई जल दा मज्जन, जल दा इशनान बाणी दे पाप नहीं धोंदा, जल दा इशनान मन दे पाप भी नहीं धोंदा, जल दा इशनान तन दे पाप भी नहीं धोंदा। सफुरती दे सकदा है, ताजगी दे सकदा है, और ताजा शरीर ढंग नाल नाम जप सकदा है। पर जे आखी है एक डुबकी लाई ते सारे पाप धुल गए, ऐसा दिखाई नहीं देंदा। शायद आपनू पता होवे पिछले दिने जब कुंभ लगे हरिद्वार दे, मेरे ख्याल तीन चार महीने पहले, बड़े वड्डे पद्धर ते तैयारियां सालां बद्धी हो रही सन। उत्थे साधुआं दे च लड़ाई होई, करीबन 35 दे करीब साधु मारे गए, बहुत सारे जख्मी होए। झगड़ा किस गल ते, मैं पहले इशनान करना है ते मैं पहले करना, मेरे पाप पहले धुलन तेरे बाद दे च। उत्थे साधुआं दियां टोलियां ने, बैरागी ने, सन्यासी ने, नांगे ने, अखाड़ियां दिच लड़ाई होई, और ये पहली दफा होया। कहिंदे ने इस तो सैकड़े साल पहले भी किधरे बिखाह ते शुरू हो जांदा सी, तनाव ते पैदा हो जांदा सी, पर खूनी लड़ाई पहली दफा हुई। गए सन पाप धोन, शरीर दा पाप हिंसा, बाणी दा पाप मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, तो खूब कौड़ा भी बोलते रहे, मिथ्या भी बोलते रहे, हिंसा भी कर देती, 35 बंदे मारे गए, सैकड़े जख्मी हो। बनारस बनाया सी नाम जपण लई, और शिवजी कहिंदे सन सारी दुनिया च इत्थों दे सन्यासी मशहूर होणगे,
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਬਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਲ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਡ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ, ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਰਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾ ਚੋਂ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਨਾ, ਬਈ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾ ਏ ਕਰੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜੇ ਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮ ਆਖੈ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਰਮ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਕੰਮ, ਕਰਮ, ਕ੍ਰਿਤ, ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ, ਗਊ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ, ਕਿ ਸਾਰੇ 5000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਬਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 5000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 3500 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 525 ਸਾਲ। ਤਿੰਨ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ 5000 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਢ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਪੈਰਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਦੇ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਿਨੀਅਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤਰ ਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਂ ਕੈਸੇ, ਪਵਨ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਿੰਨ ਯੁੱਗ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਨਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 52। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
खान पान पहरान बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुख दे विचार दे बदलदिया, सोचने दे बदलदिया, रहन सहन दे बदलदिया, सारे का सारा युग बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो महाराज इत्थे कह रहे हैं, मैं देखदा जगत विच बिना कीतियां की कुछ प्राप्त आता है, कुछ भी नहीं। वेखा विण करमा कह मिले लई, तो जे इसनों हुण आधार बना के मैं विचार आप जी के सामने रखा, तो विद्वान ऐसा कहते ने कर्म दो तरह के ने, क्योंकि शरीर है मनुख कोल, मन है मनुख कोल। जो शरीर के तल ते प्रगट होवे उन्हों कहिंदे ने कर्म कृत, ते जो मन के तल ते चले उसनों कहिंदे ने कर्म विचार। दो तरह के कर्म, ध्यान नाल सरवण करना, कर्म कृत कर्म विचार। जो मेरे तन के तल ते प्रगट होवे, मेरे शरीर तो प्रगट होवे, मेरे हत्थां तो प्रगट होवे, मेरी जबान तो प्रगट होवे, वाचिक कर्म बोलना कर्म कृत। और जो मेरे मन विच चलदा रहिंदा, सोचनी चलदी है, यादां चलदियां ने, फुरने चलदे ने, कर्म विचार। प्रथम श्रेणी विच उस मनुख नूं धार्मिक दुनिया मनदी है, भगत संत ब्रह्म ज्ञानी, जिसकी कृत भी महान, जिसकी विचार भी महान। उस शरीर के तल ते जो कृत करेगा, उस कृत तो जगत दो कुछ लाभ तो हो सकता है, चोट नहीं पहुंचेगी। और उसके विचारां दे ते निरंकार आता है, उसकी सोचनी दे ते परमात्मा आता है, उसदियां यादां दे ते ईश्वर आता है। कर्म कृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान, ये बाहरों भी महान अंदरों भी महान। हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त, अंदरों बारों जो एक है, हाफिज कहिंदे ने हजारां जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, वो इतना महान है। एक दूसरा तबका कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कर्म कृत गलत हो जाती है, कदी कदी कृत गलत हो जाए, समाज नूं परवान नहीं, समाज कबूल नहीं करता। कृत गलत हो जाए, कानून भी कबूल नहीं करता, कानून सजा देंदा है जिदे कृत गलत हो जाए। ते कृत गलत की, जिस कृत नाल किसी नूं चोट पहुंच जाए, किसी तरीके की भी चोट पहुंच जाए, वह कृत गलत है। तो समाज की निगाह विच ओ मनुख गिरदा है जिदे कृत गलत हो जाए, कानून की नजरां विच ओ मनुख दोषी है, अपराधी है जिदे कृत गलत हो जाए। भावें विचार ठीक होवन, भावें सोचनी ठीक होवे, भावें नीयत ठीक होवे, पर मैं अर्ज करा ये दूजी श्रेणी च आ जाते ने, कर्म विचार ते बड़े निर्मल ने, सोचनी बड़ी पवित्र है, भावना बड़ी निर्मल है, नीयत बड़ी साफ है, कृत कदी कदी गलत हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दया, संध्या का वक्त दशरथ श्री राम दे पिता शिकार ते निकले ने, ऐसा महसूस होया जैसे सरोवर दे च एक हिरन पानी पी रहा है, खिच के बाण मारिया, मनुख दे चीखण दी आवाज आई, भज्जे होए गए, देखिया कि इते शर्वन कुमार है, इते बंदा है, मेरे कोल ते बंदा मारिया गया। रोंदे ने उते दशरथ जारो जार, हे प्रभु एक ही हो गया। और ये रोना कम से कम 12-13 सफ़ियां ते तुलसी ने लिखे है, रोही जांदे ने, तड़पदे पैणे, तीर लगे है शरवन नूं, तड़प तड़प के वो अपने प्राण दे रहे है,
पर उस तो भी कई गुणा ज्यादा तड़प रहा है दशरथ ऐ की हो गया मेथों। मारन का कोई इरादा नहीं सी, सोच के नहीं आए सन, विचारां दे शरवन नूं मारना नहीं सी, हो गई कृत गलत हो गई, करनी गलत हो गई, कृत गलत हो गई, विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, बारह मूला दी गल, छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने, माई ने लगाम पकड़ ली घोड़े दी, एक बिरद माता ने, ते मुंह जो कुछ बोल दी, कवि संतोख सिंह जी ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है, माई कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, इदा मतलब तुसी पापी हो तो मैं थोड़े पाप धोण वाली हाँ, कही जाती है बोली जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, रोई भी जाती है, आखी भी जाती है, हाथ भी जुड़े हैं, लगाम भी पकड़ी हुई है। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ा के धक्खा दे के एक पासे कीता, आखिया मूर्ख की आख रही है, तेनू इतनी भी समझ नहीं की आख रही है। एकदम छेवें पातशाह घोड़े तो उतरे, एकदम उतरदिया सार माता नू गलवकड़ी च ले लिया, आखिया मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पंक्ति, जे बारों भुल चुक बोल दे भी खरे हर माने, कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं है, सोचनी गलत नहीं है, कर्म कृत गलत हो गया है। पर कर्म कृत गलत हो गया है तो समाज नू कबूल नहीं होता, समाज नू नहीं चंगा लगता, यदि कृत गलत हो गई है ते कानून नूं ते बिल्कुल प्रमाण नहीं, कानून ते अगर कृत बहुत माड़ी होवे ते अगले नूं बहुत चोट पहुंची होवे तो सजा भी है। दशरथ राजा सी, ठीक है, वो खुद ही तड़प लिया, वो अपने आप नूं आप ही सजा देंदा पिया, राजा सी खुद, वरना किधरे अज दा निजाम आउंदा तो फिर ते कातल सी, कतल दे दोष विच शायद पकड़िया जाता। पर मैं अर्ज करा, कृत गलत हो गई है दशरथ दे कोलों, समाज नू कबूल नहीं है, ये कानून नू भी कबूल नहीं हो सकती, परमात्मा नू कबूल है, परमात्मा नू प्रवान है, ठीक है, कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, नीयत गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, विचार गलत नहीं है, ऐसा कदी कदाई होता है, किसे किसे नाल होता है, बड़े तो बड़े पवित्र लोगों को भी ऐसी गल हुई है, कृत गलत हो गई है। और जे तुसी सुन सकते हो तो मैनू कहण की इजाजत होवे ते बड़े बड़े अवतारों को भी कृत गलत हुई है, हो गई है, नीयत नहीं सी उन्हां दी, भावना नहीं सी, सोचनी नहीं सी, हो गई, करण दी भावना नहीं सी, ऐसा हो जाए उन्हां दी भावना नहीं सी, कतई सोचिया भी नहीं सी, हो गया। लेकिन ईश्वर दे दरबार विच ये दोषी नहीं ने, ये संत ये भगत दोषी नहीं ने। दशरथ भी अपने जमाने का एक संत पुरुष है, साधना करने वाला सी, तपस्या करने वाला सी, ते वक्त दे अवतारी पुरुष का पिता है, धार्मिक राजा है, कृत गलत हो गई है, और थोड़ी बहुत नहीं गलत हुई, बहुत वड्डी गलत हुई है, बंदा मर गया है। पर मैर्ज करा, ईश्वर की दृष्टि विच ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, प्रथम श्रेणी विच कृत भी ठीक है,
विचार भी ठीक ने, कर्म कृत बड़ी पावन है, कर्म विचार बड़े शुद्ध ने। इस समाज नू भी कबूल है, परमात्मा नू भी कबूल है, संसार नू भी कबूल है, निरंकार नू भी कबूल है। दूसरा, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कदी कदी। समाज नू ते ए मनुख कबूल नहीं हो सकता, पर परमात्मा नू कबूल है, परमात्मा दी दृष्टि च काबले माफ। जे बाहरों भूल चुक बोल दे भी खरे हर बाणे। एक तीसरा, कृत बिल्कुल ठीक है, जो बोलता है जो करता है बिल्कुल ठीक है, समाज कबूल करता है, कानून भी कबूल करता है, ठीक कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, कृत ठीक है। इस समाज नू कबूल हो सकता है, गुरु नू कबूल नहीं है। ये कानून दी निगाह ठीक हो सकता है, परमात्मा दी निगाह दे ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी इसनू कहिंदे ने पखंड। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कर्म कृत बड़ी महान है, कर्म विचार कर्म नीयत बड़ी नीच है। जितनी बार उच्ची कृत प्रकट कर रहे हैं उतनी सोचनी नीवी है, उतने विचार नीवे ने। जितना बार पवित्र कर्म कर रहे हैं उतनी नीयत गंदी है। इसनु महाराज इंज कहंदे ने, कर्म धर्म पाखंड जो दीसे, जो दिखाई दे रहे है। पाखंड, पाखंड का मतलब खंड खंड। बाहर दे तल ते कृत बड़ी महान दिखाई दे रही है, बड़ी महान। दान कर रहे है, पुन कर रहे है, सत्संग देच बैठा है, बाणी पढ़ रहे है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे है, परोपकार कर रहे है, कृत बड़ी महान। लोकी कहंदे ने महान, नीयत बैड़ी है, सोचनी बैड़ी है, विचार चंगे नहीं ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने पखंड। कृत समाज नू दिखाई देंदी है, विचार समाज नू दिखाई नहीं देंदे। कृत कानून नू दिखाई देंदी है, नीयत कानून नू दिखाई नहीं देंदी। ऐसा मनुख संसार दे तल ते कबूल है, निरंकार दे तल ते काबले कबूल नहीं, परमात्मा नु कबूल नहीं। साहिब ते साफ कहंदे पैने पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। हाफिज कहंदे ने, तस्बी ब दस्ते जाहिद चश्मे ब माले मरदम। हाथ देच तस्बी है, मूं दे च अल्लाहो अल्लाहो, कृत ते बड़ी महान, कृत ते बड़ी ठीक। तस्बी ब दस्ते जाहद चश्मे ब माले मरदम, ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। कहिंदा काफर ते मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। कुरान दी तलावत करदे आया भी नीयत मैड़ी है, तस्बी फेरदा होया भी भावना माड़ी है, नमाज पढ़दे आया भी विचार गंदे ने। कहिंदा काफर बड़े देखे सन, पर मुसलमान काफर पहली दफा देखे। तस्बी ब दस्ते जाहद चश्मे ब माले मरदम, ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। अगां चल के कहिंदा, सीमी बरी तू जाना दिल हम चो संगे खारा, दरसीम संग पिनहा दीदम न दीदा बोदम। एक प्रमाण देता है, उदाहरण। सीमी कहने ने चांदी नो, चांदी निकलती है पहाड़ा दे चो, चिट्टी चांदी। कहिंदा है, मैं
देखिया सी, पढ़िया सी, सुनिया सी कि पत्थरां दे चों चांदी निकलती है, पर कहिंदे देख के हैरान होया चांदी दे चों पत्थर पिया निकलदा, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, फरिश्तियां वाला रूप, दिल पत्थर कठोर कुदाया, कन्न मुसल्ला सूफ गल बाबा फरीद, कन्न मुसल्ला सूफ गल दिल का थी गुड़वात, ये बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। ये तो करम कृत दे तल ते चानना चानना है, मुसल्ला भी है, नमाज भी है, तस्बीदा फेरना भी है, नीयत दे तल ते ते मसीहा दी रात है, भावना दे तल ते ते अंधेरा ही अंधेरा है, विचारां दे तल ते ते रात ही रात है, ये बाहर दिसे चानना दिल अनहर दिसे चानना, दिल अनहर दिसे चानना, दिल अनहर दिसे चानना, दिल अनहर दिसे चानना, दिल अनहर दिसे चानना।